प्रदेश के बलिया में शहर की सड़कों पर शिक्षकों और कर्मचारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई और जुलूस को रोकने के लिए सड़कों पर आई पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस सबके बाद शिक्षकों और कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया और सीआरओ मांग पत्र देकर महाविद्यालय अराजकता का माहौल कायम करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की गई। मुख्य राजस्व अधिकारी ने आंदोलित शिक्षक कर्मचारियों को सार्थक पहल का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि बीते 25 नवंबर को अराजक तत्वों द्वारा एससी कॉलेज में की गई दहशतगर्दी के विरुद्ध जिले भर के शिक्षक व कर्मचारी आंदोलित हैं। इसी के तहत शिक्षकों ने कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एफेंसर्स अधिकार मंच के तत्वाधान में सतीश चंद्र कॉलेज में ध्यान आकर्षण रैली निकाली, जो कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। सभा में कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि यदि 12 दिसंबर की सुबह 10 बजे तक अराजक तत्वों के खिलाफ गुंडा एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई, तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी, जनपद के सभी महाविद्यालयों में उनके प्रवेश को प्रतिबंध करने के साथ ही सतीश चंद्र कॉलेज के मुख्य कुलानुशासक अवनीश चंद्र पांडे पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो शिक्षक कर्मचारी निर्णायक आंदोलन करने को विवश होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय समृद्ध महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने प्रकरण को उप मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।